सियासी हलचल हो या सरहदों की हिफाजत, कारोबार का बाजार हो या सेहत की आगाही, रहे बाखबर एमबीबी न्यूज के साथ। डिप्टी कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान रुकन सिंध असम्बली कन्वीनियर नवीद जमील की अराकनी ने सिंध असम्बली के हमरा बहरिया टाउन पर होने वाली मुंजिम दहशतगर्दी के हवाले से सिंध असम्बली में मजम्मती किरदार जमा कराई और सिंध असम्बली के इजलास का बायकाट किया। बाद अज मीडिया नुमाइंदगान से सिंध असम्बली के बाहर गुफ्तगू की। ये यहाँ पर करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स को लगाया गया, यहाँ पर करप्ट और कातिल पुलिस अफसरान को लगाया गया और तमाम ये जमीन अरबों रुपए की रिश्वत के आवज जो यहाँ पर जो सरकारी गुजरा ने सरकारी शख्सियात ने रेवेन्यू अफसरान ने और पुलिस अफसरान ने बहरिया के बहरिया टाउन से हासिल की और उसके बाद ये जमीनें उनको हैंड ओवर की गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह कल वहां पर मनज़म दहशतगर्दी की गई, मनज़म लाकानूनियत की गई और मनज़म लूटमार की गई और पुलिस वहां पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही, तो इससे ये बात साबित होती है।